डियर स्टूडेंट्स, विभिन्न न्यूज चैनल्स पर एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम्स की डेट देखते देखते आप तो परेशान हो ही रहे होंगे। मैं भी इस तरह की न्यूज़ से तंग आ गया हूँ। लगातार भ्रामक न्यूज़ देकर आपको टोटली कंफ्यूज किया जा रहा है, आपका समय नष्ट किया जा रहा है और आपकी तैयारी को भी प्रभावित किया जा रहा है। मैं आपके सामने ऐसे कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि अगस्त में आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी या ग्रुप डी की परीक्षा कराया जाना संभव ही नहीं है। आपको ये ज्ञात होगा कि एसएससी एमटीएस की परीक्षा 2 अगस्त से 6 सितंबर के बीच आयोजित की गई है। ये परीक्षा टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जो 2 पालियों में आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा में लगभग 70 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं। 70 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि 70 लाख बच्चों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करने के बाद भी इतने कंप्यूटर और परीक्षा केंद्र शेष रह जाएंगे जिनमें एनटीपीसी और आरआरबी की परीक्षा कराई जा सके? इसके साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और इससे जुड़ी हुई अन्य तमाम व्यवस्थाएं भी प्रशासन को करनी पड़ेंगी। तो जहां तक मैं समझता हूं कि एक साथ 2 परीक्षाएं कराया जाना और वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स कराया जाना कतई संभव नहीं होगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करें। सितंबर में एनटीपीसी या ग्रुप डी की परीक्षा कराया जाना संभावित होगा। तो आई थिंक आपको ये मेरी बात पसंद आई होगी। आप अपने तैयारी में जुट जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दें ताकि उन बच्चों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और वो अपनी तैयारी में पूरे मन से लग जाएं। ओके, थैंक यू।